there were four formulas, sine c. Plus sin d formula ke 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 C plus cos D 2 plus C plus D by 2 into plus C minus D by 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2 or minus 2 sin c प्लस डी बाय टू इंटू साइन ये हुआ था। अच्छा कुछ कंडीशनल किए थे क्या, इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई? हाँ सर वो किया था। हाँ सर वो हुआ था, एक सात आठ कर चुके हैं? नहीं सर एक ही किया सर, था, एक ही हुआ था कि रिमाइंड करना आपको। ओके ओके तो if a plus b plus c equal to 180 or pi, then I think हम ये प्रूफ किए थे sin 2a plus sin 2b plus sin 2c क्या मिला था? 4 sin a sin b sin c, 4 sin a sin b sin c ये प्रूफ हो गया था। हाँ सर इसके बाद बाकी है। ओके now prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is the minus 1 minus 4 cos a cos b cos ये prove कीजिए। condition remains same।
वही प्रूव करना है आपके सामने है कुछ. डन. डन. सर मेरा नहीं हुआ. नहीं हुआ. नो सर.
डालो इसमें cos c plus cos d, क्या होगा? टू cos a plus b c plus d by 2, मतलब a plus b into cos a minus b. cos 2 theta मुझे और minus 1 चाहिए. cos 2 theta का फॉर्मूला minus 1 किसमें है? cos 2 theta फॉर्मूला में minus 1 कौन सा फॉर्मूला है? 2 cos square theta minus 1. तो use 2 cos square c minus 1. लास्ट टाइम मैंने बताया था आज a plus b plus c equal to pi, then a plus b कितना होगा? pi minus c. pi minus c. sin of a plus b. sin c. cos of a plus b. minus cos. minus cos c. अब cos a plus b can write minus cos c into cos a minus b plus 2 cos c cos square c minus 1. From these two, you can take common. Minus 2 cos c, you can take common. Then you have cos of a minus b minus cos c. माइनस कॉस सी के जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस बी. माइनस कॉस सी कैन राइट कॉस सी प्लस बी. रिवर्स कर दिया. कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. टू कॉस ए कॉस बी. 2 cos a cos b. Minus 1. आ गया? Which is the minus 1? Minus 4 cos a cos b cos a. समझाइए. यस सर. हाँ सर. नेक्स्ट वन प्रूव दैट. और कुछ गेस करो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी क्या हो सकता है? कंडीशन रिमेन सेम ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 और पाई. देन साइन ए साइन बी साइन सी. साइन ए साइन बी साइन सी ऐसा क्यों? और साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू. जब साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी फोर साइन ए साइन बी साइन सी हो रहा है तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी क्या होगा? As he said, 4 sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. क्योंकि 2a के लिए a आ रहा है, but a के लिए a by 2 आना चाहिए, but ऐसा नहीं होगा. हाँ सर. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि it is not an identities. It is not an identities, क्योंकि इसके लिए condition है कि a plus b plus c equal to, जैसे हम sin 2 theta, क्या होता है? 2 sin theta cos theta. इसके लिए कोई कंडीशन था क्या? नहीं सर. इसके लिए थीटा का कोई कंडीशन था क्या? नहीं सर. नहीं था.
बट इसके लिए है, ये जो क्वेश्चन था ना इसके लिए कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका साइन फोर थीटा करोगे तो ये क्या हो जाता है, व्हेन टू थीटा चेंजेस फोर थीटा, आपका थीटा टू थीटा में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये इट इज लाइक आइडेंटिटी। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं था बट इसके लिए कंडीशन है। तो ऐसा नहीं कि टू ए के लिए ए होगा तो ए के लिए ए बाई टू होगा, ये हो जाएगा फोर कॉस ए बाई टू नॉट साइन ए बाई टू, फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये प्रूव करो। If a plus b plus c equal to 180 or pi, then sin a plus sin b plus sin c is the 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2.
Done. Similar method. आप लोग क्या अभी ज्वाइन कर रहे हो वेदांत? और महक? नहीं, महक डन। क्या हुआ इसमें? के पास ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई, तो ए बाय टू प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय टू क्या होगा? पाई बाय 90। पाई बाय टू 90। तो ए प्लस बी बाय टू कितना होगा? 90 माइनस सी बाय टू। तो साइन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस सी बाय टू। कॉस सी बाय टू We'll get cos c by 2. Cos यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? Sin c by 2. Sin c by 2 तो आपको ये यूज करना है। अब इसको ले लो, यूज sin c plus sin d, कितना होगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 plus sin c. C you can write 2 into c by 2. Sin of a plus b by 2. Sin use करेंगे cos मिलता है, cos use करेंगे sin मिलता है, tan cot में होगा, cot tan में होगा, cos x x होगा, ऐसे complementary angle use हो रहा है। तो sin a plus b by 2 you can write cos c by 2.
इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, इसमें यूज करो साइन टू थीटा, क्या मिलेगा? टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, मतलब टू साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू। अब क्या कॉमन जाएगा? टू कॉस सी बाय टू, टू बचा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू प्लस साइन सी बाय टू बचा है, साइन सी बाय टू अगेन यू कैन राइट कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू, साइन सी बाय टू यू कैन राइट कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए प्लस बी, ए के जगह ए बाय टू, बी के जगह बी बाय टू, तो क्या मिला? टू इंटू टू फोर, फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू, मिला? सिमिलरली कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, एनी गेस क्या हो सकता है आपका? जब साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी था, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जब हुआ उसमें क्या, इसमें सप्लीमेंटरी एंगल लगा था तो इसलिए साइन साइन था, बट जब ए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हुआ आपको हाफ एंगल यूज हुआ, तो मतलब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल यूज हुआ, तो दैट टाइम यू गॉट साइन के जगह कॉस हो गया, कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू। इसमें कुछ गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी था, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी, फोर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू, फिर वन का क्या होगा? माइनस वन माइनस फोर साइन ए बाय टू साइन सी बाय टू, नहीं प्लस वन प्लस फोर, क्योंकि उधर सप्लीमेंटरी एंगल था ना, तो कॉस माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता था, इधर कॉम्प्लीमेंटेड तो साइन में कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा इसमें आएगा वन प्लस फोर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी, ये भी प्रूव करो। क्रिस आपको क्यों टू मिला, फोर कहाँ चला गया, कहाँ पे मिस्टेक हुआ था?
हाँ सर हो गया ला। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर। नेक्स्ट कंडीशन रिमेन सेम प्रूव दैट समेशन ऑफ टैन ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टैन ए। मीन्स टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। नहीं सर नहीं आ रहा। क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं सर। सबसे आसान है आपके पास क्या दिया गया? हाँ सर हो गया। हो गया।
a plus b plus c given y. आपका tan में चाहिए तो take tan both the sides. tan a plus b plus c का फॉर्मूला क्या है? तो tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b tan b tan c minus tan b tan tan a tan c. ये था ना? हाँ सर. हाँ सर. summation of tan a minus product of tan a whole divided by 1 minus summation of tan a tan b equal to tan pi. tan pi का value tan pi का वैल्यू क्या होता है? जीरो आएगा ना? जीरो है. जीरो. तो एक फ्रैक्शन कब जीरो होता है? a by b equal to zero implies what? a is equal to zero. न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए. तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा. That implies summation of tan a is equal to product of tan. हाँ सर. नहीं, if you forget about your tan a plus b plus c formula, तो आप ये भी कर सकते हो. a plus b you can write pi minus c. now use tan both the sides. tan a plus b formula. tan a plus tan b 1 minus tan a tan b. 1 minus tan a tan b. tan pi minus theta. minus tan theta. minus tan theta मतलब minus tan c. अब cross multiply कर दो. that implies tan a plus tan b equal to minus tan c plus tan a tan b tan c. अब minus tan c को left ले लो. आ गया. tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c. Then? हाँ सर. कितना हो सकता है? summation of tan a by 2 tan b by 2.
सर ऐसा आएगा क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टैन ए प्लस वन माइनस सबमिशन ऑफ टैन ए? Hello? सर मेरे को वन मिल रहा है, मिल रहा है सर मुझे भी टेंस टू वन मिल रहा है, टेंस टू वन नहीं टेंस, अरे वो टेंस आता है ना वो इनफिनिटी में कैसे टेंस, हाँ टेंस टू, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ सर वो मेरे को भी वन ही मिल रहा है, वन 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 इज द राइट. क्या होगा इधर? अपन ए बाय टू बी बाय टू चाहिए ना, तो यूज ए बाय टू प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू. नाउ यूज टेन बोथ दिस साइड्स, इसमें क्या आ जाएगा? फॉर्मूला डाल देंगे तो समेशन ऑफ टेन ए बाय टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेन ए बाय टू all divided by 1 minus summation of tan a by 2 tan b by 2. 1090 का 90 value undefined, undefined मतलब something by 0, तो denominator 0 हो जाना चाहिए, तब जाके आपका ये undefined होगा. तो 0 डालेंगे तो summation of tan a by 2 tan b by 2 क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा. नहीं आप डबल एंगल के साथ भी जा सकते हो, ए बाय टू प्लस बी बाय टू यू कैन राइट 90 माइनस सी बाय टू. अब यूज कर दो टेन ऑफ टेन बोथ दी साइड्स, अब इसमें आ जाएगा टेन ऑफ ए बाय टू प्लस टेन बी बाय टू अपॉन वन माइनस टेन ए बाय टू टेन बी बाय टू इक्वल टू टेन नाइनटी माइनस थीटा कॉट थीटा, दैट आल्सो यू कैन राइट वन बाय टेन सी बाय टू. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो टेन ए बाय टू टेन सी बाय टू प्लस टेन बी बाय टू टेन सी बाय टू विद द वन माइनस टेन ए बाय टू टेन बी बाय टू. So you'll get your answer one.
summation of cot a cot b. संकल बेटा क्या हुआ था? मिला एक मिनट सर. सर क्या ये भी वन है क्या? सर वन है. हाँ सर वन आ रहा है. वन आ रहा है सर. यस summation of cot a by 2. प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए बाय टू. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. सो दिस आर द रिजल्ट्स. कंडीशन वाज इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. पाई होगा भी चलेगा नहीं तो एवरी कंप्लीट रोटेशन मतलब थ्री पाई हो जाएगा वो भी चलेगा. फाइव पाई होगा तो मतलब कंप्लीट रोटेट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पाई एंड थ्री पाई. हां सर. आपको पाई जहां पे मिलता है थ्री पाई उधर ही मिलता है. ठीक है. तो वेदर इट इज पाई और थ्री पाई और फाइव पाई और ऑड पाई
तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कितने रिजल्ट्स किए? 8 रिजल्ट्स। 8 हां सर। इट वाज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इन द 4 साइन a बाय 2 नो 4 साइन a साइन b साइन c cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी द फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू cos a plus cos b plus cos c equal to plus 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 summation of tan a equal to product of tan a summation of tan a by 2 tan b by 2 the 1 summation of cot A cot B 1 summation of cot A by 2 cot B by 2 no summation of cot A by 2 is the product of cot A by 2 थोड़ा compare करके याद रखोगे तो easily you can remember actually these are not your formula these are the results okay but these results you can use directly iska applications hota hai so if you compare first one with your third one if you know first one third one aapko mil jata hai yahan pe supplement angle laga tha to sin sin mein raha isme kya hua complementary angle laga to sin change to cos ho gaya second one comparable with your fourth one इसमें वही सप्लीमेंटरी एंगल लगा था तो कॉस कॉस में रहा बट माइनस में रहा ये कॉम्प्लीमेंटरी यूज हुआ तो साइन कॉस चेंज टू साइन एंड माइनस चेंज टू प्लस अगेन टैन का जो फॉर्मूला कॉट कॉट ए बाय टू का वही फॉर्मूला टैन का जो फॉर्मूला टैन ए का जो फॉर्मूला कॉट ए बाय टू का वही फॉर्मूला एंड टैन ए बाय टू का जो फॉर्मूला कॉट ए का वही फॉर्मूला ठीक है तो थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा तो इसको आप ट्राई करोगे याद रखने के समझाइए
मिला। मिला नहीं सर। क्यों, क्या दिक्कत हुआ सर? वन है क्या आंसर? वन? हाँ तो करेक्ट है। टेन को कट में कन्वर्ट कर दो। cot 2a plus cot 2b, tan को मैंने cot कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 upon cot a plus, हाँ ठीक है, 1 upon cot 2a cot 2b a आएगा ना? हाँ सर। इसको 1 upon cot 2a करेंगे, इसको 1 upon cot 2b करेंगे, तो वो पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट cot 2a plus cot 2b upon cot 2a plus cot 2b, बराबर कि नहीं? हाँ सर, अभी समझिए। आप इट इज 1 by x plus 1 by y, that became x plus y upon x y, यही होता है ना? अच्छा अच्छा, अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस बिकेम समेशन ऑफ cot 2a cot 2b cot 2a cot 2b,
इसमें a प्लस बी प्लस सी था 180, बट मेरा क्वेश्चन 2a में है तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2π 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा 2π। अच्छा अब यूज कर दो cot both the sides, तो cot of 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू cot 2π। 2π मतलब 0 पर, 2π जहां पे होता है 2 0 भी होता है सेम एंगल ना, ये 2π ये भी 0, तो means it is cot 0। cot 0 कितना होता है? Undefined. Undefined. That means ये formula डाल देंगे तो summation of cot 2a minus product of cot 2a upon 1 minus summation of cot 2a cot 2b. हाँ sir. पूछा क्या हुआ अभी, क्या मेरा डिस्कनेक्ट हो गया? अरे किसको फॉलो कर लिया, आप पवित्र हो गया मेरा अकाउंट 72, मेरे को कोई नहीं पटाना। क्या चल रहा है? तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो वन माइनस समेशन ऑफ कॉट टू ए कॉट टू बी इक्वल टू जीरो। तो यही आपका क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा? वन वन। समझाइए। हाँ सर, अब समझ आया अच्छे से। हाँ सर। If a plus b plus c equal to pi by 2, then find the value of summation of cos b plus c upon cos b plus c. समेशन मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में है, मतलब पूरे में है? नहीं नहीं पूरे में।
डन यस सर क्या मिला क्या मिला सर जीरो सर हेलो जीरो हाँ सर जीरो आंसर आ गया ओके एनीथिंग एल्स नहीं सर और किसी को कुछ मिला गलत है कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला डालो क्या होगा कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी तो क्या मिलेगा ये इसके साथ कैंसिल होगा वन माइनस ये हो जाएगा टेन बी टेन सी राइट अच्छा मैं इसका समेशन सिग्मा को ओपन करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा समेशन ऑफ वन माइनस समेशन ऑफ टेन बी टेन सी समेशन ऑफ वन कितना होता है वो नहीं पता सर इसमें आपको कितने टर्म्स ऐसे मिलेगा इफ यू ओपन योर समेशन हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट थ्री मिलेगा थ्री तो हर बार आपको वन 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 मिलेगा तो थ्री टाइम्स वन मिलेगा यस तो फॉर दिस केस समेशन ऑफ वन बिकम थ्री तो सर आंसर टू आ जाएगा हाँ हाँ सर टू समझे ना इसको ओपन करेंगे आपका बीसी में एक टर्म रहेगा एसी में एक टर्म रहेगा एबी में एक टर्म रहेगा बट हर बार वन माइनस वही रहेगा ना इफ यू ओपन दिस वन यू विल गेट वन माइनस टेन बी टेन सी प्लस वन माइनस टेन सी टेन ए प्लस वन माइनस टेन ए टेन बी ये आप नोट कर सकते हो समेशन ऑफ वन n इज इक्वल टू वन टू n ये आपको n देता है जितने सारे टर्म उतने टाइम्स आपको वन मिलेगा सपोज ये वन टू टेन तक हुआ तो आपका आंसर टेन हो जाएगा इसमें आपको तीन टर्म्स मिल रहा था इसलिए थ्री मिला समेशन ऑफ वन का इधर यू विल गेट थ्री माइनस यू कैन राइट समेशन ऑफ टेन बी टेन सी आज ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई बाय टू तो यूज टेन बोथ दी साइड्स ए मिलेगा तो टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट समेशन ऑफ टेन ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेन ए
all divided by 1 minus summation of tan a tan b. But in the pi by 2 tha, tan pi by 2, something by 0. So denominator aapka 0 ho jayega. So summation of tan a tan b 1 hoga. So it became 3 minus 1. समझाइए. हाँ सर. तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन. सर एक मिनट फिर से और समझ दिखा सकते हैं. हाँ सर. हाँ सर हो गया. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यू हैव टू फाइंड आउट ट्रिगो फंक्शन. डोमेन रेंज. और ट्रिगो फंक्शन का डोमेन होता है, रेंज भी होता है. व्हाट इज डोमेन? व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? इफ वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स देन द सेट ऑफ values of x for which f of x defined is called the set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x. The set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x. कुछ समझा? समझा. नहीं समझा सर. थोड़ा थोड़ा समझा. हाँ भाई कुछ एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा. सपोज f of x इज द 1 अपॉन x माइनस 2. तो डोमेन क्या होगा? आपको देखना है कि कौन सा वैल्यूज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स डिफाइंड. बट वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप रिवर्स में जाओ. कौन सा एक्स का वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा? टू. चेक करो. टू. टू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. बाकी सबके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा. हाँ सर. ठीक है. ये जो फंक्शन हम बोलते हैं ना रियल टू रियल बोलते हैं. ठीक है. Here function from real to real. It is called function from real to real. इसको बोलते domain part, इसको बोलते codomain. वो बाद में आपको पता चलेगा. But मैं फिलहाल ऐसे बता रहा हूँ. तो the set of values of x for which f of x defined is called domain. हम जो domain test करेंगे पूरे real number के ऊपर test करेंगे. ठीक है. तो इसका domain क्या हो जाएगा? डोमेन. दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स. सिंबलिकली इट इज राइट लाइक दिस डी ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. क्या होगा? फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एक्सेप्ट टू. तो डोमेन टू होगा क्या? एक्सेप्ट टू. एक्सेप्ट टू. टू को छोड़ के बाकी सब कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट? हाउ टू राइट इन फॉर्म ऑफ सेट? नेगेशन दिखाना पड़ेगा. ऑल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू. इट इज नॉट नेगेशन. एक्चुअली नेगेशन आप इसको नेगेशन बोलते हैं. दिस इज नॉट प्रॉपर वर्ड. नेगेशन एक्चुअली सेट का फंक्शन होता है. मतलब
वो ऑपरेशन नहीं होता है. नेगेशन ऑफ ए इटसेल्फ ऑन सेट. ओके सो ये सेट है नेगेशन ऑफ ए. हां नेगेशन ऑफ ए इटसेल्फ ऑन सेट. तो आर नेगेशन ऑफ टू लिखोगे तो हाँ. ये भी एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया, ये दोनों के बीच में कुछ ऑपरेशन नहीं रहा. ठीक है तो नेगेशन नहीं बोलते, इसको आप माइनस जैसा लिख सकते हो, बट इसको सेट में माइनस प्लस नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं डिफरेंस. और एक्सेप्ट आप बोल सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इनफिनिट से आर. मतलब क्या है माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट होता है ना टोटल रियल नंबर. हाँ सर. तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इनफिनिट टू प्लस टू ओपन यूनियन टू टू इनफिनिटी. ये भी लिख सकते हो. टू रिमूव हो गया ना क्योंकि टू पर मैंने ओपन रख दिया तो टू भी रिमूव हो गया. समझा? यस सर. यस सर. सर बताइए. सर आपने वो नेगेशन का क्या बोला, वापस रिपीट करोगे? नेगेशन दिस इज द साइन ऑफ नेगेशन. मैं बोल रहा हूँ हम ए बी टू सेट्स, हम इसके अंदर कुछ ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसे यूनियन यूज करते हैं, इंटरसेक्शन यूज करते हैं, कभी डेल्टा यूज किया जाता है. ओके ये सब यूज किया जाता है, ऑपरेशन यूज किया जाता है. ठीक है तो नेगेशन ऑफ ए इटसेल्फ ऑन सेट. आप बोलोगे आर नेगेशन ऑफ टू, नेगेशन ऑफ टू इटसेल्फ ऑन सेट. तो ये दोनों, ये भी एक सेट, ये भी एक सेट, ये दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं रहा. हाँ सर समझा सर. तो इसलिए वो नेगेशन इज नॉट प्रॉपर वर्ड, बट ऐसा लिखा जब कोई लिख देता तो कोई ऐसा ये नहीं है. ओके तो इसको हम एक्चुअली लिखा जाता है ऐसे आर डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस. ओके एंड आर मैंने लिखा आर डिफरेंस टू, टोटल रियल नंबर से टू को रिमूव कर दिया. ओके नहीं तो सिंपल आप ऐसे यूज कर सकते हो, माइनस साइन यूज कर सकते हो, बट माइनस मत बोलो. जब बोलते हो डोंट टेल माइनस आर माइनस टू, क्योंकि माइनस प्लस सेट में यूज नहीं होता है. ठीक है इसको डिफरेंस बोला जाता है, नहीं तो सीधा बोलो एक्सेप्ट ऑल. हाँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू. सिंपल वर्ड में भी आप बोल सकते हो. सेट में लिखना है तो ये लिखो दिस इज राइट, ये लिखो राइट बराबर, नहीं तो आप ऐसे वर्ड में भी बोल सकते हो. समझाइए. Another example. Let us take f of x is the under root x minus 3. तो डोमेन क्या होगा? The set of values of x for which f of x defined. Except 1 and 2. Except 1 and 2. Except? 1 and 2. Why 1 and 2? मैंने क्या बोल रहा हूँ? कोई भी negative number 0, 1, 2. हाँ sir, sorry. Negative number. आप लोग का ये बड़ा blunder है. आपको नंबर मतलब सिस्टम, नंबर सिस्टम दिया तो आप सिर्फ आपको दिमाग में नेचुरल नंबर जाता है, नहीं तो इंटीजर जाता है. सर व्हाई नॉट 2.999? सर वो कर्वी ब्रैकेट आएगा, कर्व ब्रैकेट जिसमें 3, माइनस इनफिनिटी होगा शायद.
कौन सा ब्रैकेट आएगा? वो कर्व ब्रैकेट होता है ना, कर्व ब्रैकेट ऐसे। हाँ हाँ ओपन ब्रैकेट सॉरी। हाँ थ्री कॉमा माइनस इनफिनिटी। थ्री कॉमा माइनस इनफिनिटी हाँ मतलब आर एक्सेप्ट थ्री कॉमा नहीं सॉरी इतना ही है। अच्छा आप लोग का उधर क्या चल रहा है, सेकंड ट्रैक में क्या चल रहा है? वेविकर मेथड चल रहा है ना? हाँ अभी स्टार्ट किया है। हाँ तो इससे पहले तो ऐसे चार ब्रैकेट बोले होंगे सर। हाँ सर तो ओपन ब्रैकेट ओपन दो थे इफ। हाँ ऐसे चार ब्रैकेट बोले होंगे, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ऐसे बोले ना चार ब्रैकेट। हाँ सर। इसके अलावा और एक था, और क्या था सर? कर्ली ब्रैकेट था वो तो। हाँ कर्ली। हाँ ऐसा। हाँ सर तो फिक्स्ड वेरिएबल वो तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। हाँ ओके सर। इसमें डिस्टिंग एलिमेंट्स। अच्छा मुझे बताओ इन बिटवीन 2 टू 5 इफ आई एम राइटिंग दिस वे तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? इनफाइनाइट। हां सर इनफाइनाइट एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट 2 मतलब 2 को नहीं गिनेंगे दूसरे सब। हाँ, तो 10 को गिन 10 को गिनोगे सर 2 के बाद में नहीं आई तक सारे नंबर्स। हां तो इसको बोलते हैं 2 लेस देन x लेस इफ इट इज x बिलोंग्स टू दिस वन लेस देन यही होता है ना। हां सर। हां हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? इनफिनिटी। फाइनाइट। इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस सर। यस सर। तो आप इधर 1 एंड 2 क्यों मतलब बोले, ये मेरे समझ में नहीं आया। सो उधर भी इनफिनिट एलिमेंट्स होंगे। अच्छा इसको ये जो ब्रैकेट जो चार ब्रैकेट था जो भी है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोई भी ब्रैकेट उठा लो ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं? अच्छा x बिलोंग्स टू 2 टू 5 तो 2 क्या है x का, 5 क्या है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड हाईएस्ट लोअर लिमिट अपर लिमिट। हां ये हाँ, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। यस सर। तो हाँ, अभी आपका ये लोअर ये अपर कैसे हुआ? नहीं सर उल्टा लिखेंगे ना सर। सॉरी माइनस इनफिनिटी कॉमा। हां भाई प्लस इनफिनिटी। ये ऐसा कभी भी मत बोलना, मतलब लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट रहता है वो लोअर वाला रहता है। हां सर। राइट में जो एलिमेंट रहता है वो अपर लिमिट रहता है। तो 3 टू माइनस इनफिनिटी कभी नहीं होता है। यू कैन टेल माइनस इनफिनिटी टू 3। यस ओके सर। यस सर समझा। अब इसका डोमेन क्या है बताओ? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होता है, ये फंक्शन कब डिफाइंड होता है? 3 से इनफिनिटी तक आएगा जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तब जाके रूट ओवर वाला डिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है। हां सर। f ऑफ x डिफाइंड ओनली व्हेन x माइनस 3 मोर देन इक्वल टू 0, दैट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सेट में कैसे लिखेंगे? How to write in the form of set? Sir, open interval minus infinity to 3. Open interval minus infinity to 3 का मतलब क्या है? So, इसका मतलब ये वैसे सारे negative number, इसे छोटे सारे numbers होंगे। Difference आ गया। इसका मतलब इसको मतलब word में बताओ ना, statement में बताओ इसका मतलब क्या है? If x belongs to minus infinity to 3. इसको बताओ स्टेटमेंट में सर, क्या लिखा है? मतलब हुआ कि सारे के सारे नंबर्स जो 3 से लेके उससे सारे छोटे नंबर्स।
नहीं नहीं जिसने बोला माइनस इनफिनिटी टू थ्री, अब बताइए इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलोगे? सर सॉरी, थ्री टू इनफिनिटी आएगा। हाँ सर, हाँ सर, थ्री टू इनफिनिटी। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मतलब आपका थ्री से लेके इनफिनिटी तक जाएगा। थ्री पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन नहीं, इक्वल साइन इज देयर। If strictly more than or strictly less than, that case you have to use open bracket. हाँ sir. If less than equal to or more than equal to, that case you have to use close bracket. Close bracket, yes. और infinity हमेशा open रहता है क्योंकि उधर कभी close sign नहीं आता है। हाँ. वहाँ तक आप कभी पहुँच नहीं पाते हो, तो close sign कभी भी infinity minus infinity में use नहीं होता है। ठीक है? तो whenever f of x is equal to x minus 3 root over, then इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 3 से लेके इनफिनिटी तक। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सपोज f of x equal to 3 upon x square plus 10, what is your domain? डोमेन क्या हुआ, क्या होगा? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, मतलब इसमें कोई भी एक्स के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा? हाँ सर, इसमें कोई भी एक्स के लिए ये अनडिफाइंड नहीं होगा। नहीं होगा माइनस इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी डोमेन हम लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी से बोल सकते हो, और सिंपल आर लिख सकते हो। हाँ सर। R is the set of real number. तो हर domain range इसको हम set format में लिखते हैं। तो इसलिए मैंने जो definition दिया था, the set of values of x, the set of values of x for which f of x defined is called domain. उसको हमेशा set format में लिखा जाता है। Yes sir. Understood? Yes sir. हाँ sir. Yes sir. अब मुझे बताओ, we have six trig functions. One is the y is equal to sin x. उसका डोमेन क्या होगा? आप चेक करो, मतलब ठीक है, इसमें आपको क्या चेक करना है? सिर्फ जीरो से लेके 90 तक चेक करना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ जीरो से लेके 90 तक चेक करना है। इसके अंदर आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया, मतलब इधर भी डिफाइंड होगा। हाँ सर, साइन केस में बोल रहा हूँ। साइन जीरो से यहाँ से जो वैल्यू देता है, इधर भी वही वैल्यू देता है। हाँ सर, इधर उसका नेगेटिव देता है, इधर नेगेटिव देता है। हाँ सर, वंस जीरो टू 90 डिफाइंड हो गया, फिर ये डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये जब डिफाइंड होगा, इसके बाद आपके दुनिया में एंगल बचा ही नहीं। यस सर, सब कुछ एंगल आ गया ना जीरो से 360 के अंदर। अच्छा, एवरीथिंग कैन। हां सर, तो इसके बाद क्या होता है, वो रोटेट करता रहता है और कुछ नहीं होता है। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि 0 टू 90 के बीच में कहीं का अनडिफाइंड नहीं है। इफ एवरीवेयर डिफाइंड, देन आगे के लिए सब डिफाइंड होगा। इफ कहीं पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कहां-कहां पे अनडिफाइंड होगा। बराबर? यस सर। इससे पहले जस्ट ऑलरेडी मैंने बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा एंगल आया था जो हम सेकंड क्लास में ये किए थे, सेकंड और थर्ड क्लास में हम डिस्कस किए थे। यहाँ पे क्या एंगल होता है इन जनरल? ऑड मल्टीपल पाई, एन पे, टू पाई, फोर पाई। तो इस यहाँ तो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या था? हाँ, टू पाई। यहाँ पे कौन सा एंगल आया था इन जनरल? नेगेटिव टू पाई। नेगेटिव टू पाई? नहीं सर, सिर्फ पाई। ऑड पाई, ऑड पाई, सॉरी, ऑड पाई, ऑड पाई, 2n + 1 * पाई। तो x एक्सिस का एंगल क्या हुआ था? इंटीजर।
एन पाई, क्योंकि ये इवन पाई ये ऑड पाई दोनों को कंबाइन करेंगे तो पूरा इंटीग्रल ऑफ पाई था। अच्छा यहाँ पे कौन सा एंगल आया था? 2n पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई, 2 ये 2n पाई हो गया तो प्लस पाई बाय 2 बढ़ जाता है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे कौन सा एंगल आया था? 2n माइनस पाई बाय 2। टोटल वाई एक्सिस में क्या आया था दोनों? ये दोनों क्या आया था सर? इंटीजर। क्या इंटीजर? ऑड पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई, ऑड पाई बाय 2। ये याद रखो नहीं तो फिर सब वही तो मैन। अब आते हैं डोमेन। फंक्शन पर्टिकुलर हियर ट्रिगो फंक्शन, नो अदर फंक्शन हियर, डोमेन रेंज। अच्छा डोमेन तो बता दिया, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। व्हाट इज द रेंज, डेफिनेशन ऑफ रेंज? If y is equal to f of x, the set of values of y, y का value, x का value domain, y का value range, मतलब function का value, the set of y values of y, that means minimum value to maximum of f of a, f of x का मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा वो तो आप इधर ही डिसाइड कर दोगे। हम हमारे पास सिक्स फंक्शन था, y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x, y is equal to cot x, y is equal to sec x, cosec x, अब बताओ साइन एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड हुआ था? आप जब जीरो से 90 तक मूव किए थे कहीं पे साइन अनडिफाइंड हुआ था क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। इसका मतलब जीरो टू 90 तक डिफाइंड हुआ, मतलब आगे हर जगह डिफाइंड हो जाएगा? यस सर, यस सर। इसका मतलब साइन एक्स एवरीवेयर डिफाइंड। हाँ सर, हाँ सर। क्या लिखेंगे डोमेन? आर, आर। वेरी गुड। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स होगा आर, क्योंकि इट इज एवरीवेयर डिफाइंड। कॉस का क्या होगा? आर, आर, आर। टैन कहाँ पे अनडिफाइंड था? आर सर, 90 पे, 90 पे। टैन देखोगे आपका इधर अनडिफाइंड हुआ था 90 पे, ठीक है ना? इधर होगा तो इधर भी होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब y एक्सिस पर अनडिफाइंड हुआ था। हाँ सर। y एक्सिस मतलब ऑड पाई बाय 2 बराबर? यस सर। तो ऑड पाई बाय 2 पर वो अनडिफाइंड था, बाकी सब केस पर वो डिफाइंड था। तो डोमेन को क्या लिखेंगे? R except odd pi by 2. Yes. R other than odd pi by 2. Tan theta everywhere defined except y-axis. Y-axis में क्यों undefined होता है वो? Odd pi by 2.
नहीं एक्चुअल लॉजिक क्या है क्यों आया एक्सिस पर tan अनडिफाइंड हुआ क्योंकि जीरो से डिवाइड हो जाता है सर क्योंकि cos 90 जीरो आपका tan थीटा क्या होता है इंफिनिटी पे ब्लो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा cos थीटा ठीक है आपका जब हम ट्रायंगल ड्रा किए थे ना ऐसे ट्रायंगल लिए थे ना ये थीटा माने थे तो cos थीटा जब जीरो होगा इसका मतलब बेस आपका जीरो हो जाएगा हां सर बेस जीरो होगा मतलब ये जो पॉइंट यहाँ का जो पॉइंट किसके साथ कोइंसाइड करेगा वाई एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस ठीक है ना इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट आ जाता है जहां पे एंगल आ जाता है क्योंकि एंगल वाई ये एंगल मैंने ऐसे ऐसे करता जाऊंगा तो 90 जब होगा ना वो पॉइंट क्या आ जाएगा ये पॉइंट मैंने ऐसे ये किया जितना एंगल बढ़ा ना मेरा बेस उतना कम होता गया सपोज ये मतलब ये लाइन को मैं फिक्स कर रहा हूँ ठीक है ना हाइपोटेन्यूस को फिक्स कर रहा हूँ ये सपोज थीटा वही हाइपोटेन्यूस लेके मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ तो आपका बेस कम हो जाएगा कि नहीं कम होगा हाँ सर हाँ सर फिर वही हाइपोटेन्यूस लेके एंगल को बढ़ा रहा हूँ और बेस कम हो गया और कम होगा सर इस तरह से जीरो हो जाएगा हाँ, जब ये 90 डिग्री में पर पहुंचेगा ना तो आपका बेस जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा बेस जीरो होगा मतलब कॉस जीरो होगा तो टैन ऑन डिफाइंड हो गया इसलिए वो वाई एक्सिस पर ऑन डिफाइंड होता है बराबर तो टैन ऑन डिफाइंड ऑन वाई एक्सिस तो एवरीवेयर डिफाइंड एवरीवेयर मतलब आर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2 क्योंकि वाई एक्सिस क्या होता था ऑड पाई बाय 2 Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Got. Yes, sir. Got कहाँ पे undefined था? Zero पे मतलब even पे. Exactly. Pi by two. Pi by two. Got कहाँ पे zero? Got कहाँ पे undefined? Zero पे. Pi by two. Even. Got theta is the cos theta upon sine theta. Sine theta जब zero होगा, got undefined होगा. Sine कहाँ पे zero होता था? x-axis पर ये दो जगह पर undefined होता था x-axis मतलब even x-axis को हम क्या लिए थे n pi zero x-axis yes n pi तो क्या लिखेंगे cot का domain होगा all real number except n pi sec theta कहाँ पर undefined होगा जब cos 0 होगा हां सर cos 0 होगा तो sec undefined होगा 90 डिग्री पे 90 मतलब y एक्सिस हां सर क्या लिखेंगे नेगेटिव y एक्सिस नहीं नेगेटिव y एक्सिस पर 12 प्लस 1 पाई बाय 2 12 प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 सर नेगेटिव y एक्सिस पे कैसे होगा क्यों cos तो उधर 0 हो गया ना अच्छा हां हां अरे आपका एंगल जब मैं इधर रखूंगा ऐसे ऐसे करके तो समझा कोसेक जब साइन जीरो होगा कोसेक अनडिफाइंड होगा साइन कहाँ पे जीरो होता है जीरो डिग्री पे ना सर एन पाई पे एन पाई पे तो आर डिफरेंस एन पाई तो ऑल दिस केसेस व्हाट इज योर एन ये जितने सारे केसेस n रखा n क्या इंटीजर इंटीजर ये जरूरी होता है ये लिखना जरूरी होता है तो आईडिया मिला व्हाट इज डोमेन सब फंक्शन का कैसे डोमेन मिला पता लगा हाँ सर अब देखते हैं इसका रेंज क्या होगा रेंज मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू वही अगेन आप चेक करोगे 0 टू 90 के अंदर उसका वैल्यू क्या हो रहा है माइनस 1 और 1 मैक्सिमम जा रहा है 0 टू 1 जितना वैल्यू रहेगा उसका ही नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि साइन देखेंगे कहीं ये पॉजिटिव होता है ये पॉजिटिव होता है बट उधर नेगेटिव हो जाता है ठीक है ना हां सर तो 0 टू 1 आपका सॉरी 0 टू 90 के अंदर जितने सारे वैल्यू मिलेगा इसके बाद क्या होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से वो इधर पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा और तो कुछ नहीं होगा तो आपका यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है और उसका नेगेटिव भी आएगा
रेंज में उसका नेगेटिव से लेके उसका पॉजिटिव मैक्स मिनिमम से लेके मैक्सिमम आप डिसाइड करोगे। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक था, मिनिमम क्या था मैक्सिमम क्या था? जीरो से वन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जीरो से वन, थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो से माइनस वन, माइनस वन तक जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस वन से जीरो तक, जीरो माइनस वन वन, तो आपका रेंज क्या होगा? माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन से लेके वन। हाउ मेनी लूप्स आर हियर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ऐसा नहीं कि माइनस वन जीरो वन, ऐसा नहीं। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, तो रेंज होगा मिनिमम से लेके मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू माइनस वन आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन आ रहा है और कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? यस। कॉस का क्या होगा? माइनस सेम, माइनस वन वन सेम होगा सर, सेम माइनस वन और वन लेके प्लस वन तक। टैन का क्या होगा? सारा आर होगा सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक था? जीरो से इनफिनिटी, जीरो से इनफिनिट तक, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव केसेस। हां, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो भी आया था। हां सर, हां जीरो भी आया था। हां, यूनियन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी पूरा। यस सर, नेगेटिव साइड में क्या आ जाएगा? माइनस उसका ही नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब पूरा रियल नंबर आ जाता है। यू कैन राइट माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी लिखो, यानी रियल नंबर आर लिखो। कॉट क्या होगा? आर सर, सेम उसके लिए भी सेम हो जाएगा सर, सेम होगा, आर होगा। हां, सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा भी माइनस 1 से, सर इसका ही माइनस आर माइनस तक होगा। कॉस थीटा का रेंज मुझे क्या मिला? 1 माइनस 1 टू 1, दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं? Those values lies in between minus one से लेके plus one, उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता सर। Proper fraction. Okay sir. Oh. हाँ. Okay. Those values lies in between zero से one, it is called proper fraction. है ना? हाँ sir. तो उसका reciprocal क्या होगा? If a by b less than equal to 1, उसका reciprocal क्या होगा? More than 1 होगा। Yes, improper fraction होगा। हाँ, improper fraction। इसमें proper fraction क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे b strictly more than a, और you can write a strictly less than b. That's it is called proper fraction. जब reciprocal ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? b more than equal to a. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b by a, तो क्लियरली मोर देन इक्वल टू 1 होगा। यस सर, यस सर, दैट दैट इज फॉर पॉजिटिव केस। फॉर पॉजिटिव केस मोर देन इक्वल टू 1, फॉर नेगेटिव केस लेस देन इक्वल टू माइनस, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू माइनस 1। यस, ये होगा ना? हां सर। कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट इन सेट फॉर्म? तो सेट थीटा के लिए 1 से लेके इंफिनिटी तक यूनियन यूनियन माइनस वन, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन। और जब हम नंबर लाइन में ऐसे लिखते हैं ना, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते, तो यू नो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, इधर एनी डिफरेंस? नहीं सर, बोथ आर इक्वल। ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि वन से लेके इनफिनिटी वन पर क्लोज होगा कि नहीं, इक्वल वन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ, आ सकता है, आ सकता है, वन क्लोज होगा। यूनियन लिखते हो, यूनियन बोले कि माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, नथिंग रॉन्ग, दिस वन राइट। बट हम जब नंबर लाइन में लिखते हैं, ऑलवेज हमारा फ्लो होता है लेफ्ट टू राइट, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको उल्टा में लिखो, लेफ्ट टू राइट आओ, माइनस इनफिनिटी से लेके माइनस वन, यूनियन वन से लेके। ओके सर, ठीक है, सो दैट इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बोलते हैं।
तो इसका ये रखेंगे माइनस इनफिनिट से लेके माइनस वन पर क्लोज, यूनियन वन से लेके इनफिनिटी वन पर भी क्लोज, इनफिनिटी ऑलवेज ओपन, और यू कैन राइट टोटल रियल नंबर अदर देन प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस वन से लेके प्लस वन। हाँ सर, टोटल रियल नंबर से क्या करोगे, माइनस वन से लेके प्लस वन को रिमूव कर दो, हटा देंगे। यस सर। बट ओपन ओपन हटाओगे, क्लोज नहीं हटाओगे? हाँ सर। हाँ सर, क्लोज हटाओगे तो इधर वन चला जाएगा। हाँ सर, ठीक है, माइनस वन से प्लस वन ओपन हटाओगे, हाँ ये लिखो नहीं तो ये लिखो। कोसेक का क्या होगा? सेम होगा सर, जो कोसेक का था ना। यस, साइन कोस का सेम था ना, तो सेक कोसेक का सेम सेम होगा। सेम होगा। Understood? Yes, sir. Yes, sir. बस कॉपी कर लो। आप लोग का कितने असाइनमेंट हुआ है? पांच हो गया सर। हाँ सर। असाइनमेंट सिक्स एंड सेवन इज योर होमवर्क। ओके। दो असाइनमेंट। ओके सर। Yes, sir. ठीक है सर। थैंक यू सर। सर एक डाउट है सर, वो जो थर्ड वाले है उसमें r except 2n plus 1 pi by 2, तो उसमें से हम लोग मतलब माइनस इन r तो समझा, पर उससे कुछ निकालना नहीं है क्या एक्सेप्शन के लिए? जैसे हम लोग ने डोमेन में निकाला वैसे रेंज में, थर्ड में क्या हुआ? थर्ड वाले में डोमेन में हम लोग ने एक्सेप्ट निकाल एक्सेप्ट करके 2n plus 1 पाई बाय 2 निकाला, तो रेंज में भी सम वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ था, जो ऑड पाई बाय 2 पर क्यों निकाले थे? क्योंकि वहां पे अनडिफाइंड हो रहा था। हाँ, तो अनडिफाइंड मतलब वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड होगा ना। हाँ हाँ, ओके, अनडिफाइंड तो मैंने हमेशा निकाला। ओके, यस यस, समझा। ओके, थैंक यू सर। समझाइए। हाँ सर, तो मुझे y sec थीटा का जो था उसमें समझ नहीं आया सर, रेंज को हमने कैसे लिया? cos थीटा का रेंज क्या हुआ? माइनस वन टू वन। तो sec थीटा क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा। हाँ सर, क्योंकि sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल। हाँ, cos थीटा होता है माइनस वन से लेके प्लस वन। सपोज a by b less than 1, तो b by a क्या होगा? मोर देन 1। तो वही मैंने किया ना, तो पॉजिटिव साइड में मोर देन वन होगा, नेगेटिव साइड में लेस देन माइनस वन हो जाएगा। तो आपका कॉस थीटा इसके अंदर था, माइनस वन से लेके प्लस वन। सेक थीटा क्या होगा? इसके आगे चला जाएगा। ओके सर, हाँ समझ गया अभी, थैंक यू। क्योंकि ये पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ सर, और ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि 1 टू 2 रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल फिर 2 से लेके आगे जाएगा, ऐसा नहीं। सपोज x बिलोंग्स टू 1 टू 2 देन 1 बाय x मोर देन 2, ऐसा नहीं होता है। ओके सर, ये मोर देन हाफ होगा, इसका रेसिप्रोकल रखेंगे तो हाफ से लेके 1 तक होगा। हां सर, बट ये जो 0 टू 1 था ना, 0 टू 1 का रेसिप्रोकल वो मोर देन 1 हो जाता है, बट 1 2 का रेसिप्रोकल हाफ से लेके 1 तक होता है। हाँ सर, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 0 टू 1, ये जो 0 टू 1 ये पार्ट को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका रेसिप्रोकल हमेशा इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स 0 की तरफ जा रहा है ना, उसका रेसिप्रोकल टुवर्ड्स इनफिनिटी की तरफ चला जाएगा। बट ये टुवर्ड्स क्या था, 1 से लेके 2 तक था, तो इसका रेसिप्रोकल हाफ तक जाएगा, ये हाफ तक जाएगा, ये वन तक जाता है, बट ये जीरो का रेसिप्रोकल इनफिनिट के तरफ चला जाता है, इसलिए वो वन से लेके इनफिनिट तक गया। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बाय सर। सर कैन यू डिफरेंशिएट एन इक्वेशन फॉर मी सर, वो केमिस्ट्री के एक सम में था, तो क्या था? f इज अ u इज अ फंक्शन ऑफ r is equal to minus ke square
के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. ओके, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सर? ये आपका कांस्टेंट हो गया. अच्छा, फंक्शन ऑफ आर मतलब आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट. हाँ हाँ, तो ये माइनस के ई स्क्वायर आ गया इनटू आर टू पर माइनस थ्री करो तो आर टू पर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन निकालो. अच्छा ठीक है सर, इसका कोई रोल नहीं, ये कांस्टेंट बन रहा. अच्छा समझ गया, वो वही प्रॉब्लम था. फंक्शन ऑफ आर मतलब आपको आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू.